नमस्कार साथियों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है और हमारे तमाम साधक कोई साधना में लगे हुए हैं तो कोई मंत्रों को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। मित्रों, ये समय बार बार नहीं मिलता है। नवरात्रि, दीपावली, होली, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन समयों में अच्छे अच्छे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और अच्छी अच्छी साधनाएं आ जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप तन मन धन से ये कार्य करते रहिए। अगर आपको तंत्र मंत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो मंत्रों को शुद्ध पढ़ना सीखिए और नियम पूर्वक जो मंत्र का समय है और जो मंत्र की विधियां हैं, शक्ति का जो भोग है, उसी प्रकार से समझ करके आप उन मंत्रों को सिद्ध करिए या किसी भी देवी देवताओं की साधना करिए। मेरे प्यारे भक्तों, जब तक आप तन मन धन से कोई भी सिद्धि या साधना नहीं करेंगे या किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक उस शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर आ नहीं सकता है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है और हमारे पास तमाम जगह के साधक आए हुए हैं। हमारे ये भैया जी, क्या नाम है आपका? दशरथ। इनका नाम है दशरथ। ये जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन ये बॉम्बे में रहते हैं। और हमारे ये क्या नाम है भैया आपका? खिलावन। इनका नाम है राम खिलावन। ये कानपुर के रहने वाले हैं। और हमारे चाचा श्री, ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। कुछ लोग आ भी रहे हैं और कुछ आकर के जा भी रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आपको पता है कि नवरात्रि में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे तमाम भक्तजन व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि गुरुजी, आप तो हमें रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। भैया जी, ये समय ऐसे होते हैं कि इस समय पर हमको खाना खाने तक का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए हम आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि शमशान में दिन में भी अखाड़ा चल रहा है और रात्रि को 2 बजे 2:30 बजे तक अखाड़ा चल रहा है, तो बताइए हम आपको मैसेज कैसे रिप्लाई कर दें। उसके लिए हमें खेद है, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे कि नवरात्रि नवरात्रि तक हमें मौका दीजिए। फिर भी कुछ लोगों को हम जवाब देने की कोशिश करते रहेंगे। नवरात्रि के बाद में सभी को जवाब मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, हमारी तरफ से जो YouTube चैनल पर जानकारी दी जाती है, जो भी आपके हित में जो वीडियो भेजे जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से देखें, उन्हें समझें, उनके अंदर क्या जानकारियां हैं उनको अच्छी तरह से जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपके कुछ पले नहीं पड़ेगा। आप सोचते हैं कि गुरुजी का नंबर मिल जाए किसी वीडियो में और डायरेक्ट बात हो जाए तो हमारा समाधान हो जाए, तो मेरे प्यारे मित्रों, डायरेक्ट बात करना तो संभव नहीं है। हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि शत्रु नाशक और मारण और वशीकरण, ये 2 तरह के ऐसे वीडियो हैं कि इसमें हम जानकारी अधूरी रखते हैं। क्योंकि आपको पता है, हमारे भी तमाम शत्रु हैं। अगर हम शत्रु नाशक मारण में पूरी जानकारी देंगे तो हमारी जानकारी को उठा करके और वो हमारे ऊपर भी प्रयोग कर सकता है। सही बात है भैया। इसलिए हम पूरी जानकारी नहीं देते और इसलिए ही वशीकरण का हम पूरा विवरण नहीं देते हैं। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं कि उन वशीकरण का प्रयोग करके हमको भी जाल में फंसाएंगे। लेकिन हमको इस तंत्र मंत्र की लाइन में हमेशा सतर्क होकर काम करना है। ये संसार है, संसार में सभी तरह के लोग हैं और उनकी तरह तरह की सोच है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, हमको सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। शत्रु नाशक मारण वीडियो जानकारी हम पूरी देते हैं, लेकिन कुछ ही इम्पोर्टेंट जानकारी को रोके चलते हैं, जो कि आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उस अधूरी जानकारी को हमारे से पूरा कर सकते हैं और उसके बाद में आप किसी भी प्रयोग को करके अपना प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे शत्रु हमारे पीछे खुद पड़े थे। हमने वीडियो में भी आपको बताया कि दर्शकों, ये बिना मतलब के हमारे पीछे पड़े हुए हैं,
जिसका कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने अपने जी जान पूरी ताकत लगा दी, लेकिन माँ भगवती की कृपा से आज तक कोई बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि जिसका बंसी वाला है रखवाला, उसका कौन है बिगाड़ने वाला। तुमने तो सोच रखी है मुझे जमीन पर गिराने की, और बंसी वाले ने सोच रखी है मुझे ऊपर उठाने की। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस परम पिता परमात्मा का जिस भक्त के ऊपर हाथ हो, उसका साया हो, उसका बिगाड़ने वाला सिर्फ वही हो सकता है। इस इंसान की इतनी औकात नहीं जो कि मेरे ऊपर वार कर सके या मेरा कुछ बिगाड़ सके। और मैं नहीं, वो मेरा परमपिता परमात्मा है। हर इंसान के अंदर जीव आत्मा मौजूद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर का अंश हर प्राणी के अंदर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बैर रखे हुआ है, बिना मतलब के किसी के साथ द्वेष भाव करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये इंसान की फिरकत नहीं है। क्योंकि मित्रों, भगवान ने एक इंसान का रूप धारण करके आपको भेजा है, एक पुरुष का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। और आपको पता है रामायण क्या कहती है, मानुष जन्म जो है दुर्लभ है, अच्छे अच्छे देवी देवता इस मनुष्य के जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, और आपको मनुष्य का जन्म परमपिता परमात्मा ने दिया तो आप ये भूल गए, आप अपने आप को इंसान नहीं शैतान समझ बैठे। शैतानी काम करोगे तो हमेशा शैतान बनोगे, और इंसानियत के काम करोगे तो हमेशा इंसान बने रहोगे। सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो आपके साथ कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, और जो भी गद्दारी करने आएगा उसका स्वतः ही बैंड बज जाएगा, वो परमपिता परमात्मा सबको देखता है। देखिए, हमारे जितने भी ये साधक आए हुए हैं, हमारे अंदर क्या सच्चाई है, सच्चाई है या बिना मतलब के ये बनावटी वीडियो जा रहे हैं, ये तो इनके मुंह से सच्चाई पता चलेगी। आप इनसे, इनके मुखारबंद से सुनिए कि हमारे अंदर सच्चाई है या सिर्फ ढोंग और पाखंड है, जो कि आज के समय में 90% तांत्रिक ढोंग बना करके, अपना चैनल बना करके तमाम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके ही मुखारबिंद से सुनिए क्या सच्चाई है। भैया जी, आप हमारे दर्शकों के हित के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाइए और बताइए, थोड़ा तेज आवाज में बताना, हमारे दर्शकों तक आवाज पहुंचे आपकी। देखिए, सबको आपसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो मैंने गुरु से दीक्षा ली, कई गुरुओं के पास गया, सारी विद्याएं मिली, सारे रास्ते में, लेकिन जो चीज मुझे चाहिए था कि हमारी जो लॉक लगा हुआ था, कम से कम 7 से 8 गुरु के पास जा चुका हूँ, वहाँ से लॉक कोई नहीं खुला है। मैंने गुरु जी का वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद गुरु से बातचीत की, गुरु दीक्षा ली, उसकी बाद बीच में गुरु जी के पिताजी की एक्सपायर होने से उसमें मैं नहीं समय दे पाए हैं, उसकी बाद समय निकल 6 महीने इंतजार किया, उसकी बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मौजूद हूँ स्थान पे, अखाड़े पे, यहाँ पे जो मेरी बंदिश लगी हुई थी वो खोली गई है, और वीडियो देख लेना, 2 वीडियो पड़े हुए हैं उसमें, और उसमें मेरी सारी शक्तियाँ जो ओपन नहीं हुई थी वो ओपन भी हो गई हैं। अभी मेरा रास्ता पूरा क्लियर हो गया है। इसके लिए आप लोग किसी के पास जाने से पहले समझ लो, जान लो, तब उसकी बाद आप उसके पास पैसा खर्चा करो, जाइए, उसकी बाद आके उसके पास जाइए। दशरथ भाई, आप इस तांत्रिक लाइन में कब से आए हुए हैं? हमें 12 साल हो गए लाइन पे। 12 साल? हाँ, 12 साल हो गए। 12 साल में मैंने सारे काम बंद कर दिया था, लेकिन अभी गुरु की कृपा से अभी मैं काम चालू कर दूंगा, फिर सारे रास्ते मेरे क्लियर हो गए। आप अपने इस लॉक को खुलवाने के लिए कहाँ कहाँ भटके? मैंने 7 से 8 गुरु के पास लॉक खुलवाने के लिए गया था। किसी भी गुरु ने आपका लॉक खोल के दिया? नहीं खोल पाए। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि किसी के पास जाओ तो पहले सोच लो, समझ लो, तब फिर जाओ। और गुरु जी की जितनी वीडियो सारी अच्छा, आप जिन गुरुओं के पास में गए उन्होंने आपके बारे में क्या बोला? बोले खोल दूंगा, खुल जाएगा, खर्चा होता था, सब बराबर हो जाता, लेकिन लॉक नहीं खुलता था। नहीं खुलता था ना। शमशान में गए, 6-6 महीने एक एक गुरु के पास रुके, लेकिन कोई लॉक नहीं खुला। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे दशरथ भाई
बॉम्बे में रहने वाले हैं और वहाँ पर तमाम लोगों की सेवा करते हैं। जिसके घर में जो भी भूत प्रेत बाधा होती है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी शैतानी हवा होती है, उनका इलाज भी करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं। लेकिन कम से कम 7-8 साल से ये तमाम तांत्रिकों के पास में भटके, लेकिन इनके शरीर पर जो किसी भी इनके गुरु ने ही बंधन डाल दिया था, और आज तक कोई भी तांत्रिक इनके शरीर का बंधन नहीं हटा पाया। कह तो देते थे कि जा भाई तेरा हम काम कर देंगे, तू फलाना काम ऐसे कर देना, घर जाके ये सेवा कर लेना, लेकिन किसी भी तांत्रिक ने इनका शरीर का लॉक नहीं हटा पाया। लेकिन मेरे पास में ये पहले भी आए थे, ये दशरथ भाई मेरे से दीक्षित हैं, जो कि मैं बॉम्बे में जब मेरा दरबार लगा था तो बॉम्बे में एक मंदिर पर मैंने इनको दीक्षित किया था। उसके बाद में एक बार गुजरात भी गई है मेरे पास दरबार में, वहाँ भी इनको मैं टाइम इतना नहीं दे पाया। उसके बाद फिर मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तब ये आए, उस समय तो मैं आपको पता है कि दे ही नहीं सकता था टाइम। उसके बाद भी कम से कम ये 3-4 महीना उन्होंने इंतज़ार किया। इस नवरात्रि में मैंने इनको बुलाया, भैया जी आप काफ़ी समय से मेरे पीछे लगे पड़े हो, मैं देखूंगा अगर आप मेरे हित की बात होगी, मेरे लायक जो सेवा होगी अगर मैं कर सकता हूँ तो कर दूंगा, आप एक बार आइएगा। मेरे प्यारे साथियों, 4 दिन अभी नवरात्रि में गए हुए हैं और 4 दिन के अंदर आप इनसे खुद पूछ सकते हैं आपका लॉक कितने दिन में खुला है। लॉक मेरा 3रे दिन खुल गया, आज 4था दिन है, और आज तो कोई बात ही नहीं है, बाकी और शिष्य आए हुए हैं, अभी उनका रास्ता देखना है, बाकी हम गुरुजी के साथ में जब तक नवरात्रि तब तक रहेंगे। बाकी कहीं पे कोई जाए तो सोच समझ कर जाए, बाकी जो यहाँ की काम करने का तरीका जो तजुर्बा है बहुत अलग है, और इस आपके ऊपर जो शक्तियाँ आ रही हैं खुल करके वो तो ऐसे किसी भी गुरु के पास में आई नहीं, आई किसी गुरु के पास आई भी नहीं है, और वीडियो भी डाली गई है, वो भी देख लेना आई है कि नहीं आई, वो भी सच्चाई आपके सामने है। ऐसा तो नहीं आप झूठ में ड्रामा करते हो? झूठ में ड्रामा कैसे करेंगे, झूठ में ड्रामा धोखा खाएगा ना इंसान फिर। मेरे प्यारे साथियों, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई खेल नहीं है जो कि झूठ का हो, किसी को गुमराह करने का हो। इतना जरूर कहेंगे कि हम आज के समय में इतने बिजी इंसान हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जितना समय देंगे आपके हित के लिए देंगे और आपका कुछ करके भी देंगे। भले ही आपको अगर एक दिन का भी टाइम देंगे, एक दिन में भी वो करके देंगे जो कि आप अगर 10 तांत्रिकों के पास में घूम के आए हों और सालों साल बर्बाद किए हों। इस बंदे ने 7 साल बर्बाद किए, 7-8 तांत्रिकों के पास में जा जा के पैसा बर्बाद किया, किसी ने 10,000 करवाया, किसी ने 20,000 करवाया, लेकिन सही बताना मैंने तेरे से भाई कितना पैसा लिया है? यहाँ तो मेरा कोई गुरु दीक्षा का मैंने पैसे दिए थे सिर्फ, वो भी आधे पैसे दिए थे, 4,300 रुपए मैं गुरु दीक्षित था इसके लिए 4,300, बाकी गुरु जी के जो गुरु दीक्षा है 8,600 रुपए थी, अभी तो बढ़ाए कि नहीं बढ़े वो जानकारी नहीं है मुझे। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा जो भी दीक्षित होने का चार्ज रहता है वो उतना ही है और हमेशा से है। लेकिन आज भी जो दूसरे गुरु से दीक्षित हैं उनके लिए आधा आज भी है, जो गुरुजी का नियम है, जो उनके वचन हैं, हम उनके वचन पर अटल विश्वास करके चलते हैं और उनके ज्ञान को आगे ले जाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो अच्छे अच्छे तांत्रिक नहीं कर पाए, इस बंदे का लॉक नहीं हटा पाए, आप इसके चैनल पर 2-4 वीडियो गए होंगे या आ भी जाएंगे चैनल पर, देख लेना किस प्रकार से लॉक खुला है और कैसे शक्तियाँ धड़ाधड़ खेलती आ रही हैं, एक के बदले दो, दो के बदले तीन, जैसे ही जिसको याद करे और वैसे ही वो शक्ति तुरंत हाजिर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यह कार्य मैंने नहीं किया, मेरे गुरु महाराज ने किया और आप सब लोगों के आशीर्वाद ने किया, क्योंकि जब तक मुझे आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने मुझे इस धरा पे भेजा है, ये बात सत्य है। अगर कोई भी व्यक्ति भले ही वो साधारण हो, अगर आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता है तो उस इंसान को आप साधारण मत समझना, उसके अंदर कोई ना कोई खासियत होगी, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं तो जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से
जो मैं कार्य करता हूँ होता है। माँ भगवती ऐसा आशीर्वाद देती है कि कोई काम रुकता नहीं है। इसके ऊपर जो बंधन था वो अघोर टाइप का बंधन था, अघोर टाइप का, और मैं आपको बता दूं मैं कोई अघोरी नहीं हूँ और ना ही मेरे पास में कोई अघोरी शक्ति है। मैं जो भी हूँ आपको पता है कि शमशान काली का सेवक हूँ, काल भैरव कंकाल का सेवक हूँ, शावर मंत्र के विख्याता गुरु गोरखनाथ का सेवक हूँ। और आपको पता है कि गुरु गोरखनाथ कौन है? शिव अवतारी गोरखनाथ। जो दुनिया में कोई भी भक्त या तांत्रिक इनके लोक को नहीं खोल पाया, इतना पैसा बर्बाद किया, लेकिन 3 दिन के अंदर माँ भगवती की कृपा से, गुरु गोरखनाथ की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से वो करके दिखाया, लॉक खोल के दिखाया। लेकिन आज इसके दिल में जो खुशी की लहर होगी वो इसको खुद पता होगी। और मेरे प्यारे साथियों, हमारे ये चाचा बुजुर्ग हैं, ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। चाचा, हम आपसे 2 बातें पूछना चाहते हैं। किसी पर हमारा कोई दबाव नहीं है, ना ही हम किसी से ज़बरदस्ती बुलवा रहे हैं। वीडियो भी डायरेक्ट हमने शुरू कर दिया बनाना, हमने किसी से ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या बोलना है कि हमें क्या बोलना है, नहीं कुछ नहीं। आप हमें चाचा ये बताइए, यहाँ आकर के आपको, आप तो उम्र दराज हैं, आपने दुनिया देखी है और तमाम जगह गए होंगे, यहाँ आकर के आपको कुछ % सच्चाई नजर आई या सब ढोंग है, पाखंड है? आप तेज आवाज में बोलिए, हमारे दर्शक आपकी आवाज को सुने। पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। नाम मैं यहाँ से आके गुरु जी के पास में मुझे सबसे पहले सच्चाई मिली। मैं इनसे पहले वीडियो देखता था और वीडियो देख करके मैं यहाँ आया तो मुझे हर बात में सच्चाई लगी, हर काम में सच्चाई लगी। मेरे पे भी लोक लगा हुआ था, मेरा भी लोक गुरु जी ने खोला है, कहीं लोक नहीं खुल पाया। मैं बहुत गुरुओं के धोरे गया लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि आपके ऊपर लोक लगा हुआ है, किसी ने नहीं बताया। ये लोक गुरु जी ने बताया और गुरु जी ने रात मेरा लोक भी खोला है। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे मुरादाबाद के चाचा, दर्शकों को नमस्कार। इनके भी लोक लगा हुआ था, इनका भी मैंने रात को लोक हटाया, लेकिन मुझे थोड़ा शर्म और संकोच महसूस होती है कि ये मेरे चाचा मेरे पिता के समान हैं, लेकिन ये जब मेरे पैरों पर झुकते हैं तो मुझे थोड़ा शर्म और संकोच महसूस होता है। लेकिन वो अपने दिमाग में एक गुरु का दर्जा दे करके अपना शीश झुकाते हैं, लेकिन मुझे शर्म संकोच लगता है, क्या करूं। परमात्मा ने एक ऐसी जगह मेरे लिए चुन दी है कि इस जगह पर हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है, तो मैं जैसे ये मेरे पैरों पर झुकते हैं मैं अपने गुरु के चरणों में झुकता हूं, परमपिता परमात्मा के चरणों में झुकता हूं और उनसे माफ़ी मांग करके कहता हूं, हे प्रभु, ये मेरे पिता समान मेरे पैरों में झुक रहे हैं, तो जो इसका पाप जो मुझे लगे वो प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपके नतमस्तक हूँ और अपने गुरु महाराज की शरण में हूँ। जैसा भी इनके दिमाग में जो है, ये जो भी मान करके मेरा मान सम्मान करते हैं, वैसा प्रभु आपके हित में मैं इनका मान सम्मान करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये इनकी बेटी है, क्या नाम है आपका? ज्योति चौधरी। कुछ पढ़ी लिखी हो, एजुकेशनल हो, नहीं हो? जी। कुछ पढ़ाई की है, कितनी की है? जी, मैंने इंटर के बाद दी, जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा है। हाँ, जीएनएम का डिप्लोमा भी कर रखा है इंटर के बाद में। 7-8 साल जॉब भी कर चुकी हूँ। हॉस्पिटल में? जी। हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम किया है, लोगों की सेवा की है, वहाँ भी सेवा की है और यहाँ भी सेवा का मौका लेने के लिए हमारे पास चली आई। तो आपको इस तंत्र मंत्र में क्यों बढ़ना है आगे? सेवा तो आप डॉक्टरी लाइन में भी रह करके कर सकती थी। जोड़ के दर्शकों क्या रखा है ये तंत्र मंत्र में बताइए। हाँ, मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनके लिए कोटि-कोटि नमन। तो ज्योति, इस तंत्र मंत्र में आप क्यों आना चाहती हो? गुरुजी, मेरे पीछे कुछ बहुत ज्यादा दुश्मन लगे हुए थे। हाँ। और 4 साल से मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी। तो ये दुश्मन तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? अगर हमारा वीडियो आपने देखा था तो आप हमें बताते, हम आपको रास्ता बता देते, लेकिन ये तंत्र मंत्र में आने का क्या है? ये सब ढोंग है, पाखंड है, झूठ है। नहीं, मुझे सेवा करनी थी, सेवा। गुरुजी, मुझे आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करनी थी। ठीक है, वो आपकी अंतरात्मा की आवाज है कि आपको किसी गुरु की शरण में रह करके गुरु की सेवा करनी है और इस तंत्र मंत्र में आपको आगे बढ़ना है।
लेकिन हमारा आपसे एक ही निवेदन रहेगा, हमारे जितने भी सभी साधक हैं, इस तंत्र मंत्र में आने के बाद में आप किसी को गुमराह नहीं करेंगे, किसी के साथ छल कपट करके पैसा हड़प नहीं करेंगे, यानी लूटने का काम नहीं करेंगे। आपको पता है कि हमारे चैनल का इस समय नंबर वन पर ट्रेंड चल रहा है, जो कि कोई भी तांत्रिक अपने चैनल पर वीडियो डालता है उसके चैनल पर व्यू कितना आता है, और हमारा वीडियो जाते ही आपको पता होगा, आप खुद समझते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है, क्योंकि हम अपने चैनल पर झूठ का प्रचार नहीं करते, ना किसी को गुमराह करते हैं। लेकिन इस दुनिया में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हैं, उनमें सभी अच्छे नहीं हो सकते, कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमारी बातें बुरी भी लगती हैं। तो देखिए, जिनके विचार गलत होंगे, बुरे होंगे, सोच जिनकी गलत होगी, वो दूसरे को गलत ही समझेगा। बुरा खोजने मैं चला, बुरा ना पाया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, क्योंकि सामने वाले के अंदर बुराई निकालने से पहले अपनी झांकनी चाहिए, अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि मैं कितनी सत्य पर चलने वाला हूँ। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, सही कहने वाले हमेशा सही कहेंगे और गलत कहने वाले गलत कहेंगे, क्यों कि सत्य और असत्य का साथ चलता है, धर्म अधर्म का साथ चलता है। अगर धर्म ही धर्म होता रहेगा तो फिर अधर्म ही क्या करेंगे, इनके लिए भी तो परमात्मा ने रास्ता दिया है। अगर सभी सत्य पे आ जाएंगे, राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे, तो फिर रावण जैसे कहाँ जाएंगे, कंस जैसे कहाँ जाएंगे, उनको भी जरूरत है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों, इस तंत्र मंत्र में आने के बाद में कभी भी अपनी शक्तियों पर अहंकार मत करना। आपको पता है कि अहंकार में कौन कौन चले गए, याद है? अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस, तीनों का पतन हो गया, तीनों का नाश हो गया। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार मत करिए, अहंकार से इंसान का विनाश हो जाता है, और विपरीत बुद्धि विनाशकाली। जब आपका विनाश होगा, नाश होगा, उससे पहले आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, क्योंकि अहंकार आपने किया। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमारे जे कानपुर के तांत्रिक राम खिलावन जी, ये भी काफी समय पहले से हमारे से दीक्षित हैं। आपको पता है कि जहां ढोंग और पाखंड होता है, वहां पर सच्चाई सबके नजर में आ जाती है, और जब सच्चाई नजर आ जाती है तो इंसान एक बार आने के बाद में दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। और आप देख रहे हैं, ये दशरथ भाई 4 बार आ चुके हैं, राम खिलावन भाई 3 बार आ चुके हैं, 2 बार या 3 बार आ चुके हैं, शायद 3 बार, तीसरी बार आ चुके हैं। चाचा हमारे पहली बार नहीं, दूसरी बार आए, ये दूसरी बार आए हैं अपनी बेटी को साथ लेकर के। तो सच्चाई ये तो है, अगर चाचा ने कुछ सच्चाई देखी होगी तभी आए होंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे जितने भी तंत्र मंत्र के साधक हैं, तन मन धन से सेवा करिए, इस लाइन में आगे बढ़ने का कार्य करिए, जगत कल्याण करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलोगे तो हमेशा आपकी जीत होगी, और परम पिता परमात्मा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। अगर आप किसी के पैर काटने की कोशिश करेंगे, आपने देखा होगा कि 2 महीने के झगड़े में जो छत्तीसगढ़ वाला बंदा था, और जब उससे हमारा विरोध हुआ, उसके साथ जितने भी बम्बई के लोग खड़े हुए थे, आज वो हमारे पास मैसेज भेज भेज करके माफी मांग रहे हैं। भाई आपको दिखाया दशरथ के, गुरुजी हमारे से गलती हुई और हम उसकी बातों में आकर के गुमराह हो गए, उसने हमें दारू पिला करके और आपको गालियां दिलवाई, आपके साथ गलत बुलवाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, सच्चाई एकदम समझ में नहीं आती है, लोगों को समझ में जब आती है कि जिसके पीछे वो सच्चाई को ठुकराते हैं, जब वहां से भी उनको ठोकर मिलती है, तब उनको सच्चाई समझ में आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वो कुछ नहीं है, ऐसे विरोधी हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, 1000 आए 1000 चले गए, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आपको पता है, जहां भी अपना दरबार लगता है, डंके की चोट पर लगता है। और मैं आपसे बता रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, हमारे ही सेवक जो हमारे खिलाफ हो गए, जो हमारे ही चेला थे, जो हमारे खिलाफ हो गए,
आज वो आरके ट्रेन इंडिया के नाम से अपने अपने यहाँ पर दरबार लगाना चालू कर रहे हैं। आप अपना माइंड खोल लीजिए, जहाँ पर आपको अगर हमारी शक्ल दिखेगी, जिस दरबार में आपको हम दिखेंगे और हम अपने चैनल पर जो वीडियो डालेंगे उसमें जो एड्रेस बताएंगे कहाँ दरबार लगेगा, वहाँ पर आपको आना होगा। अन्यथा जो हमारे नाम से हमारे ही चेले जो कि हमारे शक्त खिलाफ हो चुके हैं, जिनको सच्चाई समझ में नहीं आई और झूठ पाखंड के साथ में जुड़ गए हैं, वो दरबार लगा रहे हैं। और वहाँ पर जितने भी हमने मोबाइल नंबर उनके डाले थे चैनल पर, वीडियो बनाए थे, तो कुछ लोग तो उनके कॉन्टेक्ट में हैं, तो वो उनको कॉल करके अपने पास बुला रहे हैं और उनसे मनमानी पैसा वसूल कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी के चक्कर में ना फंसें और किसी भी दरबार में न जाएं। अगर हमारे आर के ट्रेन इंडिया चैनल के नाम से कहीं भी दरबार लगेगा तो इसी चैनल पर आपके सामने वीडियो आ जाएगा, उस दरबार में आप आइएगा। और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा एक भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ पले नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, तंत्र मंत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल पर स्वतः वीडियो आ जाता है, उसमें पूरा एड्रेस आता है कहाँ दरबार लग रहा है, और कम से कम दरबार लगने से पहले 6-7 दिन पहले वीडियो चैनल पर पहुँच जाता है। उसे देख करके आप आइएगा, चाहे तत्काल की टिकट कराइए, चाहे रिजर्वेशन कराइए, और चाहे आप जनरल कोच में आइए। मेरे प्यारे साथियों, उसी दरबार में आइए। और जो लोग फर्जी हमारे चैनल के नाम से दरबार लगा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी झांकने की कोशिश मत करिए, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गुमराह करने के अलावा। तो मित्रों, और दूसरी बात आप ध्यान से समझ लो, हमारे जितने भी साधक नए हों या पुराने हों, जल्द ही सीतापुर या दिल्ली में दरबार लगने वाला है। सीतापुर उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास, वहाँ दरबार लगने वाला है और जल्द ही वीडियो आने वाला है। या दिल्ली में लगेगा तो दिल्ली का वीडियो और पूरा एड्रेस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, वहाँ पे आइएगा। और घर से क्या क्या लेके सामान आना है आपको, वो आपको सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और जो फर्जी हमारे चैनल के नाम से दरबार लगा रहे हैं, उन्होंने क्या बताया आपको कि ये सामान लेके आना है या नहीं लाना है, क्योंकि उनके पास में कुछ है ही नहीं। हमें पता था कि आगे चल करके हमारे साथ गद्दारी करेंगे, इसलिए उनको हमने साइड में ही रखा और उनको आज तक हमने कुछ दिया भी नहीं और ना ही उनको कभी देंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्चाई के साथ जुड़िए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।